मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए बड़ी सौगातों का पिटारा खोल दिया है। इन दोनों ही राज्यों में सरकार की दो बड़ी सहयोगी पार्टियां टीडीपी और जेडीयू सत्ता में है। वित्त मंत्री ने आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड आवंटित किया है, तो वहीं बिहार के लिए भी 26,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम फंड दिया गया है। पावर प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग सेटिंग अप ऑफ अ न्यू 2,400 मेगावाट पावर प्लांट एट पीरपैंती विल बी टेकन अप एट अ कॉस्ट ऑफ 21,400 करोड़ रुपीस। New airports, medical colleges and sports infrastructure in Bihar will be constructed. An additional allocation to support capital investments will be provided. The requests of Bihar government for external assistance from multilateral development banks will be expedited. बिहार को आम बजट में क्या क्या मिला? बिहार में पहली बार बनेंगे 4 एक्सप्रेसवे। बिहार के 21 जिलों के लोगों को होगा सीधा फायदा। काशी की तर्ज पर बनेगा बोधगया में कॉरिडोर। बिहार में पर्यटन पर बजट में जोर। नालंदा में पर्यटन का विकास। बिहार में राजगीर टूरिस्ट सेंटर का निर्माण। बाढ़ आपदा पर बिहार के लिए 11,000 करोड़ का प्रावधान। वित्त मंत्री ने आंध्र प्रदेश के लिए ऐलान किया कि राज्य का पुनर्गठन हुआ है और उसकी माली हालत पहले जैसी नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगी। हर मोर्चे पर आंध्र के विकास के लिए योगदान दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। आवर गवर्नमेंट हैज मेड कंसर्टेड एफर्ट्स टू फुलफिल द कमिटमेंट्स इन आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। Recognizing the state's need for the capital, recognizing the state's need for a capital, we will facilitate special financial support through multilateral development agencies. In the current financial year, 15,000 crore rupees will be arranged with additional amounts in future years. Our government is fully committed to financing and early completion of the Polavaram irrigation project, which is the lifeline. Which is the lifeline for Andhra Pradesh and its farmers. बजट में आंध्र प्रदेश को क्या मिला? अमरावती में राजधानी बनाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की मदद। गोदावरी नदी पर बनी पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए योगदान। आंध्र प्रदेश में बनेंगे 2 औद्योगिक गलियारे। पिछड़े जिलों के विकास के लिए भी फंड आवंटित। विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होगा तैयार। हाईवे, सड़कों, बिजली और पानी के लिए भी फंड मिलेगा। वहीं विशेष पैकेज मिलने पर टीडीपी के सांसद राम मोहन नायडू ने कहा कि बजट से ये साफ हो गया कि मोदी नायडू की जोड़ी यानी कि फेविकॉल की जोड़ी। तो वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने केंद्र सरकार का विशेष पैकेज के लिए धन्यवाद कहा। जो इश्यूज फेस कर रहे हैं आज, रोजगार की बात हो या अपने सपने साकार करने की बात हो, उन सबको एक बल देने का काम ये बजट में उन्होंने किया है। बहुत सारा स्ट्रेस जॉब क्रिएशन पे, स्किलिंग पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे, इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए, इस तरह के बहुत सारे चीज़ें जो आम आदमी को, आम नौजवान को रोजगार की तरफ आगे बढ़ाता है, उन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने ध्यान दिया है। और ऊपर से आंध्र की बात जब आती है तो उसके लिए तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने एक वादा किया था कि आंध्र की देखभाल हम करेंगे और उन्होंने आज किया। इस बात का
हो हल्ला मचाते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, ये वही विपक्ष के लोग हैं जिनके पास ये जानकारी का अभाव है कि इन्हीं की सरकार में, यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह जी के दौरान ही नीति आयोग में इस तरीके के प्रावधान किए गए थे जिसके बाद किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलना लगभग नामुमकिन के करीब हो गया था। बहरहाल हम लोग की मांग रही थी कि जब तक विशेष राज्य के दर्जे का दर्जा हम लोग को नहीं मिलता, स्पेशल पैकेजेस हम लोग को दिए जाए। मैं धन्यवाद करूंगा मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, मैं धन्यवाद करूंगा हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमन जी का कि उन्होंने बिहार को जिस तरीके से स्पेशल पैकेजेस देकर, और मेरे लिए बिहारी होने के नाते खुशी की बात है, और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने हमेशा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ आगे बढ़ने का काम किया है। इस बजट में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को भी धरातल पर उतारने के प्रावधान दिए गए हैं। इधर आम बजट पेश होने के बाद विपक्ष लगातार हमलावर है, जहां आरजेडी सांसद मनोज झा विशेष राज्य का दर्जा देने का राग अलापते नजर आए, तो वहीं शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बजट को निराशाजनक बताया। आपने अनाउंसमेंट देखा क्या? अब सड़क बनाने को भी अनाउंसमेंट में लेने लगे आप लोग भी। सड़क, नाली, नलिया, नलका, ये एलोकेशन नेचुरल होते हैं, रूटीन एलोकेशन होते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, मार्क माय वर्ड्स, लेके रहेंगे चाहे सरकार पलटनी पड़े यहाँ, क्योंकि विशेष राज्य के दर्जे में क्या फायदे हैं? आपको टैक्स हॉलीडेज मिलता, कॉरपोरेट, एक्साइज, कस्टम, 90% ग्रांट का लोड ये सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करती है, पैसा लैप्स नहीं होता है। ये सारी चीजें पर्याय नहीं हो सकती ना? आप रूटीन चीजें कर रहे हो, बता रहे हो कि बड़ा बहुत आंध्र और बिहार का नाम लेने से बिहार की हकीकत नहीं बदल। प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना, बिकॉज दे हैव रियलाइज दैट दिस गवर्नमेंट इफ इट हैज टू बी सेव फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स दे वुड नीड देयर अलायंस पार्टनर्स एंड दीस अलायंस पार्टनर्स नीड टू गेट हेल्प। टू स्टेट्स दैट हैव बीन फोकस्ड ऑफ इज आंध्र प्रदेश एंड बिहार। आफ्टर डिनाइंग बिहार अ स्पेशल स्टेटस, आफ्टर डिनाइंग आंध्र प्रदेश अ स्पेशल स्टेटस, दे गिव फंड्स। व्हाट इज अनफॉर्चुनेट हाउएवर, व्हाट इज अनफॉर्चुनेट हाउएवर इज दैट महाराष्ट्र कंटिन्यूज टू बी इग्नोर्ड बाय द सेंट्रल। महाराष्ट्र हैज बिकम अ स्टेट वेयर यू कीप सकिंग इन मनी फ्रॉम, अ कैश स्टेट वेयर यू कीप टेकिंग मनी फ्रॉम बट डू नॉट गिव इन मनी फॉर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स एंड इट्स डेवलपमेंट। सो डू यू सी इट द फेलियर ऑफ द अलायंस पार्टनर इन एनडीए आल्सो टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू गेट समथिंग फॉर महाराष्ट्र? इट्स अ शेम दैट द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट एंड देयर अलायंस हैव सेड नॉट अ सिंगल वर्ड अबाउट लुकिंग एट द महाराष्ट्र'स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। इट्स अ स्टेट व्हिच आल्सो नीड्स फोकस एंड अटेंशन एंड फंड्स फ्रॉम द सेंटर। इधर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि केंद्र की मदद से बिहार तेजी के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। के लिए लगातार बोलते रहे और इन लोगों को भी हमने कहा, तो अब एक बात हो रहा था विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है, हम लोगों ने कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को भी आगे बढ़ना है। बहुत कुछ किया है, आप जानते हैं कैसे पूरा हाल था बजट का। जब हम लोग 5 से शुरू किए हैं, नवंबर 5 में है, तो जो कितना काम करते हुए अब जहाँ देखिए ना, कितना जगह पर जाने का रास्ता बना है, कितना ज्यादा स्कूल बना है, कितना एक एक नए नए चीजों का निर्माण हुआ है। अब पटना का ही देखिए ना, शाम के बाद कोई बाहर निकलने के लिए जाता था तो सर आज जो घोषणा हुआ उससे आप खुश हैं ना? सुनिए ना, सब कुछ किया गया। हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए, अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया। तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर मोदी सरकार ने आने वाले 5 सालों की नींव रख दी है, जिसे विकसित भारत 2047 का आधार भी कहा जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार का ये बजट 2025 में होने वाले विधानसभा में कैसी भूमिका निभाता है।